लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी।
मुझका उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 यशोधरा, इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, तुम खाम खा डरती रहती हो, क्या बात है डरने की? एक मिनट। अरे कुछ नहीं, नहीं। अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है। देखो 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 हाँ देखो देखो हाँ क्या है क्या है हाँ क्या है ये क्या है रस्सी है ना? हाँ? पता है सवेरे 7 मिर्ची मारकर जलाई तब इसका बुखार उतरा, न जाने कौन नजर लगा जाता है मेरे मुन्ने को। अरे रे, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच्चे? अब लाओ मुन्ने को मुझे दो, तुम कुछ खा लो, ला दो ना मुझे। इसको जगाने नहीं, धीरे धीरे थपकते रहना। अरे तुम कुछ खा लो, लो ये लो लो खाओ। Thank you.
बच्चे को नहलाते हो? हाँ। लोरी भी सुनाते हो? सारे काम तुम करते हो तो फिर तुम्हारी बीवी क्या करती है? मेरे बच्चों को नहलाने वाली, लोरी सुनाने वाली बीवी मेरे पास नहीं है। बहुत दुखी बात है। मगर तुम हो कौन? मुन्ने के लिए खिलौने लाते हो और मेरे लिए खाना लाते हो, क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो यशोधरा। मतलब? मतलब मंदिर के लिए जो दीपक होता है, दीपक के लिए जो ज्योति होती है, बिल्कुल वही तुम हो मेरे लिए, मेरी जीवन ज्योति। नमस्ते साहब। नमस्ते। कोई चिट्ठी आई? तारवीय साहब। सब कुशल मंगल तो है ना साहब? हाँ, भैया का तार है, वो सब लोग कल यहाँ आ रहे हैं। आशा बिटिया भी आ रही है? सोनू भी साथ आ रहा है। नहीं 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 नहीं। अरे अरे, टूट जाएगी बेटा। ये क्या, हवाई जहाज में नहीं जा सकता नानी माँ। क्यों, आचार के लिए टिकट लगता है क्या? नहीं नानी माँ। तो ये प्लेन में जो इंग्लिश कैप्टन होते हैं ना, उन्हें बदबू नहीं चलेगी। अचार में बदबू नहीं, खुशबू होती है बेटा। अपने को खुशबू, उनको बदबू। अच्छा, तो फिर क्या करेगा वो? ये सब बच्चा खिड़की के बाहर फेंक देगा। प्लेन में खिड़की नहीं होती है। ले, होती है नानी माँ। अरे नहीं होती है। होती है। नहीं होती है। होती 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 होती। बहुत पटपट करते हो तुम। ये क्या कर रही हो माँ? अमेरिका जाकर हम लोग अचार की दुकान खोलेंगे क्या? चुप। जमाई को पसंद है अचार। ये देखो, इसमें आम का है, उसमें नींबू का है। मगर इतना सारा किसके लिए? मुझे पता है, जमाई ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा लिया है। अब की बार जो 7 समुद्र पार करोगी, पता नहीं फिर कब तुम लोगों से मिलना होगा। नानी नानी नानी। क्या? ये खाना। अब जी नहीं लगेगा मेरा इस शैतान के बिना। बड़ा सुना सुना लगेगा घर। तभी तो कह रहे हो ना माँ, तुम और बाबूजी भी साथ चले चलो। तुम्हारा मियाँ बेचारा सर पीट लेगा जब देखेगा कि पलटन की पलटन चली आ रही। ये पासपोर्ट और टिकट आशा के है ना? हाँ। जरा मंदिर में रख दीजिएगा। बेटी वो हमारा नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। छोड़िए बाबूजी, वो कोई मेरा इंतजार थोड़ी कर रहे हैं। इस सोनू की वजह से बुलाव पे बुलावे आ रहे हैं, वरना महीने दो महीने में एक आध चिट्ठी भेजते हैं कि मैं बहुत मजे में हूँ। मुझे तो चाहिए। बाद में। और आशा है, आशा वहाँ मजे में होगी, बस छुट्टी। अगर ऐसी बात है तो फिर सोनू को भेज देते हैं अमेरिका, उनका बेटा उनको मिल जाएगा, हमारी बेटी हमारे पास रह जाएगी। क्या ख्याल है? ऐसे कैसे हो सकते बाबू जी, मैं सोनू के बगैर रह सकती हूँ क्या? ऐसा ही होता है बेटी, पति पत्नी का जीवन तभी पूरा होता है जब कोई तीसरा भी आ जाता है जिंदगी में। सुनिए, नरेन भैया को खबर भेजी कि नहीं? हाँ, तार करवा दी है। चाचा जी को क्या लिखा है बाबूजी? लिखा है हम लोग पहुंच रहे हैं वहाँ कल। कल? मगर अब इतना वक्त कहाँ है बाबूजी? 4 दिन तो है जाने में, इतनी सारी शॉपिंग करनी है और तैयारियां भी। नहीं। आशा, नहीं बेटे, चाचा से मिले बिना तुम अमेरिका नहीं जाओगी। बाबूजी, मैं सारी जिंदगी के लिए थोड़ी जा रही हूँ, अगली बार आऊंगी तब मिल लूंगी। नहीं बेटी, तुम लंबे वक्त के लिए लंबे सफर पे जा रही हो, नरेन से आशीर्वाद लेती जाओ। हाँ, वो शराब के नशे में धुप्त होंगे, आशीर्वाद क्या खा देंगे। आशा, आशा माँ, ठीक है मैं चलूंगी, मगर वहां रुकने के लिए मत कहिएगा, मैं जैसे जाऊंगी वैसे ही लौटूंगी। बैठो। जयराम जी की साहब। जयराम जी, नरेन कहाँ है? बस आते ही होंगे साहब।
तार नहीं मिली। मिला था साहब। तार मिली लेकिन साहब गैर हाजिर, आएंगे नशे में डूबे हुए। आप ही को लगी रहती है कि मिलना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। आशा, वो तुम्हारे चाचा हैं। हाँ, क्योंकि आपके भाई है ना, इसलिए सच्ची बात आपको बुरी लगती है। ची, 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 ये सब क्या है? मम्मी, मैं घर बना रहा हूँ। खेलने के लिए यही चीज मिली तुम्हें? हाँ, चलो। मम्मी, ये छोटे नाग है ना? हाँ। सोनू बेटे, कैसा है? अच्छा हूँ। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ भैया। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तकलीफ तो तुम्हारी नहीं देखी जाती। लगता भगवान अंधा हो गया है, पैरा हो गया है। नहीं भैया, अगर ऐसा होता तो वो मुझे आप जैसे भैया और भाभी न देता। नरेन, अपने दामाद बाबू ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा लिया है। अच्छा, अमेरिका में बसने की सोच रहा है। इन लोगों के अमेरिका जाने का प्रोग्राम ऐसी जल्दी में बना, तुमसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। मुझसे क्या पूछना था भैया, आशा का भला आप लोगों से ज्यादा और कौन समझ सकता है। भैया, आशा को देखे 1 साल हो गया ना, वही तेवर, वही मिजाज, अब सेहत पहले से अच्छी लग रही है। मेरी नजर उतार देना। डैडी, डैडी, 1 मिनट अंदर आइए। भैया आपको बुला रही है। खुश रहो बेटी, कम से कम भगवान तुम्हें सुखी रखे। अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। सोई नहीं नरेन? नींद तो यू भी कहां आती है, और आज तो बिल्कुल नहीं आएगी। पर आप कैसे जाग रहे हैं? आज शायद सभी के जागने की रात है। नींद नहीं आई तो सोचा
चलो चलकर तुम्हें थोड़ा उपदेश ही दे। कहिए। कहना क्या है भाई, दोहराना है। देखो नरेन, जब यकीन हो जाए कि हालात को बदलना नामुमकिन है, असंभव है, तो आदमी को अपने आप को संभालना चाहिए। यूं तिल-तिल करके कब तक अपने आप को मारते फिरोगे? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं भैया, बड़ी सख्त जान है मेरी। लगता है भगवान ने मुझे पूरे 100 साल की उम्र देकर भेजा है। काश मेरा आशीर्वाद फलता। मैं कहता कि भगवान तुम्हारी उम्र कम कर दे। चलो ठीक है, कुछ बहू के बारे में बताओ, कैसी है? क्या बताऊं भैया, 22 साल में तो पत्थरों की भी शक्लें बदल जाती हैं, पर वो वैसी ही है, दिन दुनिया से बेखबर, अपने ही ख्यालों में मगन। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी छोटी सी बेटी अब इतनी बड़ी हो चुकी है, मां बन चुकी है, और अब वो अपने पति के पास अमेरिका जा रही है, शायद हमेशा के लिए। मां, मां, क्या बात है बेटी? मैं कौन हूं? मुझे बता मैं कौन हूं? आशा, मैं किसकी बेटी हूं? आशा बेटी, नहीं, मैं तुम्हारी बेटी तो नहीं हूं। फिर किसकी बेटी हो? मेरी मां कौन है? आशा, मुझे बता कौन है मेरी मां? आज तक आप लोगों ने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि मेरी मां कोई और है? कौन है वो, मुझे बताइए ना। अगर आज तक बिना जाने काम चल गया है तो आगे भी चलेगा, मगर मैं नहीं चलाना चाहती। मैं ये जानना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी मां है जो अपने बच्चों को अपने से अलग कर सकती है। तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, मैं किसकी बेटी हूं? उस सच को जानने से क्या फायदा बेटी, जिससे मन को सिर्फ दुखी मिल सकता है। यानी कि मेरी मां का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं आप? वो क्या इतनी गई गुजरी औरत है? कोई घटिया बदचलन औरत है मेरी मां? कोठे वाली वेश्या? आशा, वो देवी है आशा, न कि जैसे तुम सोच रही हो। और तुम हमारे पवित्र बंधन की निशानी हो। हाँ आशा, तुम्हारे मां बाप हम नहीं, बल्कि ये है तुम्हारे पिता। मैं अब मैंने कभी ये नहीं सोचा था ऐसा भी एक दिन आएगा जब ये सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हारी मां का नाम यशोधरा है, तब तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ,
सपने जरूर देखता था अपनी जीवन संगनी के, कि वो एकदम साफ सुथरी सीधी सादी भारतीय नारी होनी चाहिए। हाँ अच्छा है, बिंदी जरा बड़ी कर दीजिएगा, अच्छी सी हिंदुस्तानी औरत नजर आनी चाहिए। और हाँ, सेकंड और थर्ड एक्ट के लिए जरी की चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी लीजिएगा, लाल, क्योंकि शादी के बाद वाला सीन है ना, इसलिए। हटो हटो, रास्ता दो। चंद्रो, चंद्रमुखी बोलो, कैसी लगती हूँ? किस लिए? हीरोइन के लिए, तुम्हारे नाटक में। सुनो ना, ये 20वीं सदी है, इसमें 18वीं सदी की पल्ला ओढ़ने वाली हीरोइन नहीं चलेगी, ये चलेगी। अरे नरेन, नरेन, मेरी बात तो सुन यार, आजकल की कोई से भी अच्छी फिल्म उठा के देख लो, उसमें हीरोइन ऐसी ही होती है, ऐसे ही हाव भाव करती है। पोस्टर नहीं देखे? ला हाथ पकड़, हाथ पकड़। अरे हाथ पकड़, आ ऊपर पकड़, अरे अच्छी फिल्मों में ऐसे ही पकड़ते हैं। अच्छा दूसरा देख, दूसरा देख। मैं हीरोइन है, तू हीरो, ले चूम। अरे तू, अरे अरे यार, तू कैसा आदमी तू यार। भाई भाई यार, एक हीरोइन तुझसे सट के खड़ी है, तुझे कुछ नहीं हुआ? मुझे तो हो रही है गुलगुली पूरे शरीर में। अरे लता, क्या जरा अपना सैंडल देना। सैंडल? अबे यार, तेरे विचार बिल्कुल पुराने जमाने के हैं, घिसे पिटे। तुमको चाहिए कमान जैसी भवें, आजकल कहाँ मिलेंगी, कुतर कुतर के मूछें बना दी। तुमको चाहिए वो काली घुटा जैसे लंबे लंबे बाल, अरे आजकल कहाँ मिलेंगे, काट काट के नारियल के ऊपर होते ना वो। अरे कोई इसे बाहर फेंको, बड़ा डायरेक्टर बनता है। अरे जा जा जा, क्या बात करता है। जा, तेरे को हीरोइन बनने का चांस दे। जा। क्या शाम को कैंटीन में मिलेगी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही टेस्ट देख रहा था, टेस्ट कर दिया। चल जाओ 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 जाओ। लड़की बन के आंख मारी तो ये हाल किया, लड़का बन के मारता तो सुसरी जमीन में ही गाड़ देती, बदले में आंख मारने की जगह तमाचा है। क्या कभी कोई लड़की मुझे जिंदगी भर आंख नहीं मारेगी? क्या मैं इस दुनिया से बिना आंख मरवाए ही चला जाऊंगा? कोरा कुहरा पवित्र उल्लू का पट्टा। हसोमत हसोमत, गद्य ठीक है, अब गणित। हाँ तो वो आलू का सवाल कल किसको दिया था मैंने? मुझे गुरुजी। किया? लाया गुरुजी। शाबाश। दो तीन पांच और दो सात और दो नौ, बस बिल्कुल गलत है ये सवाल। मैंने पूछा था एक घर में चार आदमी रहते हैं और एक एक की सब्जी में अगर तीन तीन आलू डाले जाएं तो कितने होंगे? अब कौन बिना आलू के रहेगा, मेरी बीवी या बेटा या बहू? आपको तो डायबिटीज है गुरुजी। हैं? डायबिटीज का गणित से क्या संबंध है? झुक जाओ झुक जाओ। अरे सिंह, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। शाबाश बेटे, दूरदर्शी हो, आयुष्मान हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, अब चाय का सवाल किसको दिया था मैंने? मुझे गुरुजी। हाँ, एक कप में अगर एक चम्मच चाय पत्ती डाली जाती है तो चार कप चाय में कब तक इस तरह दादी माँ से चिपके रहोगे? ये बुढ़िया हमेशा थोड़ी रहेगी। सावित्री, आज घर में सिंग दाल और दम आलू बनेंगे। वाह, बड़ी शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, सारे के सारे चोर रिश्वतखोर बनेंगे। अरे चढ़ावा कहो, दक्षिणा कहो, श्री गणेश कहो। ठीक है ठीक है, चाय लीजिए। ललिता, मेरी शर्ट कहाँ है? ये कोई 40 कमरों का महल थोड़ी है जो खो जाए, वहीं कहीं होगी ना। बहू उठो, तुम्हारी चाय रखिए। माँ तुम क्यों सारा दिन काम करती रहती हो, जबकि दोपहर तक सोती रहती है? सोने दे बेटा, जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी तब तो बेचारे को उठना ही पड़ेगा। माँ बेचारी सारा दिन घर का काम करती रहे और बहू मुंह फाड़ कर खाती रहे, शर्म करो शर्म। शर्म तुम करो, मुफ्त का नहीं खाती हूँ, 100 रुपए तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। देखो ये बार बार मुझे 100 रुपए ज्यादा का ताना मत दिया करो, छोड़ दो ये नौकरी, ये घर कोई तुम्हारी तनख्वाह पर नहीं चलता। अरे चंदू भी साथ में आया है? जी। नरेन तुम तो 7:30 बजे आने वाले थे, क्या ट्रेन लेट हो गई? वहीं से लेट चली भैया। अच्छा अच्छा, अंदर जाओ, मां रास्ता देख रही है। अच्छा, अरे बाबूजी। अरे जीते रहो बेटा, कैसे हुए पेपर्स? ठीक हुए,
यानी अच्छे हुए जी। और चंदू तुम्हारे कैसे हुए? अरे बाबूजी क्या फर्क पड़ता है अच्छे हुए कि खराब हुए? यानी अच्छे नहीं हुए, इस साल फिर फेल होने का इरादा है क्या? कुछ कह नहीं सकते, वैसे पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए? पेट्रोल के भाव से फेल होने का क्या संबंध है? यही बात लोग नहीं समझते हैं। ये अपने एग्जामिनर्स जो कॉपियां जांचते हैं हाँ? इनकी गाड़ियां बंद होती हैं गैराज में। अच्छा। क्योंकि उनमें पेट्रोल नहीं है हाँ? तो इनको बसों में जाना पड़ता है हाँ? धक्के खाते गालियां खाते चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब वो चिड़चिड़ापन और गुस्सा निकालते हैं स्टूडेंट्स पे। अच्छा। अब वो जो कॉपियां जांचते हैं तो हर एक को फेल कर दे जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये संबंध है पेट्रोल का। तुम्हें तो बिना परीक्षा के ही पास कर देना चाहिए। आप जैसे एग्जामिनर चाहिए बाबूजी। धन्य हो, जीते रहो, खुश रहो। तू बहुत दुबला हो गया रे, लगता है हॉस्टल का खाना तुझे अच्छा नहीं लगता। वो माँ के हाथ का बना हुआ खाना थोड़ी है माँ। ये साड़ी कैसे लगी? बहुत अच्छी है, अलग रख दे बहू पहने की। भाभी के लिए मैक्सी लेकर आया हूँ माँ। मैं तेरी बहू की बात कर रही हूँ, तू अब शादी कर ले। ले क्यों, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं रे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तेरी बहू आ जाए तो हाथ पाँव चलते कुछ उसकी भी सेवा कर लूँ। मैं सब समझता हूँ। देख माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हमें भाभी की तनख्वाह का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं और चंदू मिलकर बिजनेस शुरू करने वाले हैं। बिजनेस के लिए चाहिए पूंजी, और पूंजी के लिए चाहिए नरेन। इसलिए मैं नरेन को अपने गाँव ले जा रहा हूँ, अपने दादू जी के पास। गांव में नरेन के बाप की जायदाद गड़ी हुई है क्या? आप समझे नहीं बाबूजी, मेरे दादू जी का कहना है कि मैं तो हूँ गधा, और नरेन के बारे में उनकी राय यह है कि वो मिट्टी में भी हाथ डाले तो वो बन जाता है सोना। तो इसलिए नरेन को। अच्छा। तो नरेन को अपने पूजनीय दादाजी के सामने चढ़ावे के रूप में चढ़ा हो गया। आप समझ गए बाबूजी, आप समझ गए। वो देख रहे हो ना, छोटी पहाड़ी से लेके नारियल के पेड़ों तक मेरे परदादा की जमीन है। कौन से नारियल के पेड़? अरे वो नारियल के पेड़ पहाड़ी के पास, और नारियल के पेड़ों से लेकर इस खेत तक मेरे दादाजी की जमीन है। जानते हो उस गांव का नाम क्या है? सूर्य मोहनपुर। मेरे परदादाजी के नाम पर है दादाजी। रोको रोको, मैं कहता हूँ रोको। क्या हुआ क्या हुआ? ओ तेरी तो, मैं 5 मिनट और इसके अंदर बैठूंगा ना तो सीधे तेरे परदादाजी के पास पहुंच जाऊंगा। क्यों? पहले रेल फिर नाव और अब ये गड़गड़ पालकी। बर्दाश्त नहीं होता, मैं पैदल पहुंचता हूँ तो सामान लेकर पहुंच। अरे अरे भैया, पता कैसे पड़ेगा रास्ते का? तेरे परदादाजी बता देंगे। चल तू जा, चलो भागो, चलो। कैसी लड़कियां हो तुम, शर्म नहीं आती? कितनी बार समझाया चोरी मत करो, फिर भी मानती नहीं। एक एक को पेड़ से बांध कर मारूंगा। हाँ हाँ, तुम तो हमें ही मारोगे, उस यशोदा को कुछ नहीं कहोगे, चाहे सारा खेत उजाड़ दे। ए, यशोदा मेरा कल्पा। अगर ये नारियल मेरे सर पर गिर जाता तो तुम मुंह उठाकर यहाँ नहीं खड़े होते, औंधे गिर पड़ते जमीन पे। बात करते हैं, आदमी को हर तरफ देखकर चलना चाहिए। अच्छा हाँ। हाँ। कौन है उधर? उधर कौन है? ठहरो, मैं आ रहा हूँ। अपना खेत समझ रखा है क्या? पकड़िए ना। अच्छी मुसीबत कर रखी है इन लोगों ने। इधर आओ तो उधर का माल गायब, उधर जाओ तो इधर का माल गायब। पता था, पहले ही पता था कि सारा इल्जाम मेरे सर पर धरेगा। अरे मैं तो आपको खुद बुलाने वाली थी। ये देखो क्या रोक से खड़े हैं नारियल पकड़ के। जैसे चोरी कर रहा हो इनके बाप का हो। इनको देखे कोई कहेगा कि ये चोरी करते हैं। वाह बाबू वाह, कपड़े पहने शरीफों जैसे और काम करते चोरी चकारी का। छोड़ दो नारियल काका, लगता है ऐसे पहली बार कर रहे हैं। उठाइए उठाइए, इसे चुप करके वापस कर दो और माफी मांग लो। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, थाने ले जाएंगे हम इनको। जाने दो नारियल काका, इनको थोड़ी पता था कि फंस जाएंगे, वरना हाथ भी नहीं लगाते ये नारियल को। कोई अपना कसूर मान ले तो छोड़ देना चाहिए, और अगर कोई कसूर न माने तो? फिर वही बात, तुम क्या चिक्की पिसोगे जेल में, पुलिस थाने जाओगे? हाँ थाने तो जाना पड़ेगा। क्यों?
मुझे चोरी करने के लिए और तुम्हें गवाही देने के लिए। मैं नहीं पड़ती इस चक्कर में, मुझे और भी काम है। लड़की, चक्कर में तो तुम पड़ गई हो, अब मेरा फर्ज बनता है कि इस मामले की पूरी तहकीकात करूं। आप कौन है बाबूजी? मैं यहाँ का नया जिलाधीश हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। गलती हो गई। अरे कुर्सी ला रे, अरे पानी ला रे, अरे राम लखन कलेक्टर साहब आए हैं। ए लड़के, यशोधरा। हाँ यशोधरा जी। जी। तुमने मुझे पेड़ पर चढ़कर नारियल चुराते हुए देखा, मुझे नीचे उतरते हुए देखा या नहीं देखा? जब आप चढ़े उतरे नहीं तो मैं देखूंगी कहाँ से। हाँ ये भी ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने बिला वजह अपना दोष किसी बेकसूर के सर मढ़ दिया। हाँ, और वो भी झूठ बोलकर। तो ये बताओ, तुम चोरी कब कब करती हो? वो मैं हमेशा थोड़ी करती हूँ, जब वो बहुत जरूरत हो या बहुत जी कर रहा हो तब, कभी कभी। देखो यशोधरा जी, मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ कभी कोई लड़की फंस रही हो या मुझे फंसा रही हो तो मैं कलेक्टर या कोतवाल बन जाता हूँ, कभी कभी। हाँ कभी कभी। ए लड़की, यशोधरा। बोबली बोबली बोबली, अरे स्वीट बाबूला स्वीट बाबा 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 टडलो टडलो टडलो। चाचा जी, चाचा जी ये लीजिए। जीते रहो बेटी। चाचा जी बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, अब आपकी तबीयत भी ठीक है, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। क्यों, चाची ने कुछ कहा? नहीं नहीं चाचा जी, चाची तो बहुत अच्छी हैं। देखो बेटा, भैया की मौत के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी थी, पर क्या करता, तुम तो अच्छी तरह जानती हो अपनी चाची के बर्ताव को। पर अब कुछ भी हो, जब तक मैं तुम्हारा घर न बसा दूं तुम मेरे साथ ही रहो। जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। अरे यशोधरा अभी तक नहीं आई? नहीं चाचा जी, इसका बचपन अभी तक नहीं गया। चाचा जी। क्यों चाचा भतीजी में क्या बात हो रही है? अरे जानकी, तुम 100 साल जियोगी 100 साल, सुने ना तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। बस रहने दो, तुम और तुम्हारी लाडली बेटी के साथ 20 साल मेरे लिए 100 साल के बराबर हैं। क्यों क्यों, हम लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया है? पहले ये बताओ, यशु घर में है या गांव में धमाल चौकड़ी मचा रही है? चाची जी वो पूजा कर रही है। पूजा कर रही है? अरे पूजा के टाइम पे ऐसे खिचपीट की बातें करते हो, अच्छी बात है क्या? क्या पूछना है पूछो जल्दी। जो कुछ मुझे पूछना था वो मैं पूछ कर आ रही हूँ। फिर कोई हमारी बेटी को देखने आ रहा है क्या? नहीं तुम्हें। ओहो, तुमने तो कसम खा रखी है कभी सीधे मुंह बात नहीं करोगी। हाँ हाँ, तुम तो बड़े सीधे हो ना, जब भी कोई रिश्ता ढूंढ कर लाती हूँ बाप और बेटी मिलकर ना जाने क्या चक्कर चला देते हैं कि लड़के वाले धूम दबा कर भाग जाते हैं। अब अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया तो याद रखना, हाथ मलोगे जिंदगी भर, इतना अच्छा घर फिर नहीं मिलेगा दोबारा। बंसी, चौधरी की बेटी की शादी है, 20 सेर दूध भिजवा देना। दादाजी क्या है? मैं अभी शादी नहीं करूंगा दादाजी। अच्छा, और वो भी गांव की लड़की से? बिल्कुल नहीं। ठीक है थैंक यू। ए जरा जाके रस्सी ले। अरे रस्सी क्यों? तुझे इन भैंसों के साथ बांधने के लिए आज से तेरा खाना पीना बंद। भूख लगे तो ये घास खा लेना और प्यास लगे तो खली पी लेना। अरे पी लूंगा। सांड के जैसी मूछे उगाकर मुझे डराते हो, अरे इससे भी पैनी मूछे उगाऊंगा, इससे भी पैनी। देख क्या बात है, दादाजी की मुझे ने फिर डंग मार दिया। अरे गांव की लड़की से शादी करने को मना कर दिया तो मुझे भैंसा बनाकर रस्सी से बांधना चाहते हैं। अरे गांव की लड़की अच्छी होती है बेवकूफ। तेरा भी वही मुकड़ा शुरू हो गया। अरे मैं यहाँ पर तुमको दादाजी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए लाया हूँ। ठीक है तो मैं वापस चला जाता हूँ, तुझे भैंसा ही बनना ना तो जा बन। अरे अरे नाराज मत हो पार्टनर, तू कह रहा तो लड़की देख लेते भाई। आइए नमस्कार। अंदर चलिए। अरे हम अंदर जाके क्या करेंगे, इन लोगों को अंदर ले जाइए, अंदर से शतरंज ले आइए, एक एक बाजी हो जाए। बेटी तू इन्हें देख, मुझे रसोई में काम है। अच्छा
आओ बेटे आओ, बैठो आप बैठो, आप बैठो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पालतू बिल्ली है पालतू। बैठो बैठो बेटा, मिठाई लो। लड़का कैसा है? ठीक है, कोई खास नहीं। दीदी इसका आधा ही बहुत है। क्या तकलीफ है तुझे? नहीं, ये बिल्ली का काटना शुभ होता है या अशुभ होता है? शुभ काम के लिए आया ना है? तो फिर शुभ होता है। सीधी तरह बैठो। चले आओ बेटा, एक दूसरे को अच्छी तरह देख लो, मैं दादाजी से निपट लेता हूँ। जीजा जी क्या है? चाय। क्या कहा? चाय लीजिए ना। जय गणेश, जय गणपति, जय सिद्धि विनायक, जय लक्ष्मी विनायक। धर्म, अरे चंदू, अंतर्यामी तेरी लीला अपरंपार। चंदू पागल हो गया क्या? लीला अपरंपार है। चंदू, अरे चंदू मेरी बात तो सुन। नहीं सुनूंगा मैं, किसी की बात नहीं सुनूंगा। पहली बार किसी लड़की ने मुझे आंख मारी है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? प्रभु अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है। मुझ जैसे अधम अज्ञानी नीच को उबार दिया। क्या लड़की दिखाई है, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु मैं धन्य हो गया। अरे चंदू, वो लड़की भेंगी वेंगी नहीं, सुंदर है, होशियार है। सुंदर हो, होशियार हो, उर्वशी हो, रंभा हो, मेरा मन तो सुनहरा में अटक गया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे गौ माता, गौ माता जी मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अब मैं इस दुनिया से कोरा कुवारा पवित्र नहीं जाऊंगा। माँ, माँ, हे मेरी माँ। अरे चंदू, चंदू मेरी बात तो सुन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुनैना ठीक नहीं है, लेकिन जिस लड़की के रिश्ते के लिए हम लोग आए हैं उसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। वो अच्छी है, वो तुझे भगाने के लिए नाटक कर रही थी। वो नहीं कर रही थी, वो तो भगवान ने उससे करवाया, मुझसे सुनैना को मिलवाने के लिए भगवान ने करवाया। हे गणपति महाराज, तेरी लीला अपरंपार है, जल्दी से मुझे सुनैना दे दो। और जिस लड़की के गुणगान ये गा रहे हैं वो लड़की इनको दे दो। चंदू, हे कृपा निधान, हम दोनों को वो दोनों दे दो, और उन दोनों को हम दोनों।
राजा राजकुमारी आजा 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 टकराए अखियां मिले तो अखियां चुरा के शर्माए आह शर्माए बढ़ के कभी जो बैया पकड़ लू घबराए आराम दुहाए बना के मुझे दीवाना क्यों दिल की लगी तो तूने लगाई काहे दुहाई दे तू राम की धक 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 पुनर्मिलन ये तोड़े किसी के टूटे ना यहाँ क्यों दिल चुरा के तड़पाए मुझको सता के तू भी कहीं न पछताए आह पछताए होके जुदा तुझे भी कहीं न चैनाए आह रामा दुहाए तू आए झांझर बजाए नखरे दिखाए टकराए रामा दुहाई रामा दुहाई रामा दुहाई रामा दुहाई रामा
अरे सुने ना, अरे सुने ना, जब उस दिन नहीं शर्माई तो आज क्यों शर्मा रही हो? सुनो सुने ना, तो मुझे इतना प्यार करती हो? बस बस और नहीं, मैं मर जाऊंगा। अब तो हमारी शादी हो चुकी, आज हमारी सुहाग रात है, और इतने करीब बैठकर यूं मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम आंख मारती रहोगी तो न जाने मुझे क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा पता नहीं। ये मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ। जान के नहीं करती तो क्या अपने आप आँख झपक झपक करती है? बचपन से ही मेरी आँख में खराबी है ना, इसलिए। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ठीक ठीक बताओ, मेरी तरह गांव में और कितने लोग हैं जो तुम्हारे चक्कर में पड़े थे? कोई नहीं है, क्योंकि गांव में सब जानते हैं कि मुझे आदत है। एक मैं ही उल्लू का पट्टा निकला। लो ये पहन लो। ये क्या है? अरे तुम्हारी इस आदत का शहर वालों को क्या पता, सुबह दूध वाला आएगा, दोपहर को पोस्टमैन आएगा, शाम को फूल वाला आएगा, उन सबको देखकर हाँ ऐसे ही तुम तो टाइपराइटर की तरह टक 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 आंख मारती रहोगी। उनको क्या मालूम, वो समझेंगे तुमको उनसे। नहीं 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 नहीं, पहन लो पहन लो पहन लो, आंख मारो। आंख मारी थी क्या? हाँ? नहीं दिखता, अब धड़ाधड़ मारे जाओ, किसी को कोई खतरा नहीं। सुने ना सुने ना, ना? वो मेरे बाल क्या? कान ये रहा, चश्मा उतार कर देख लो। सुने ना यशु, ढंगी आंखें बना बना कर तुमने कितने दूल्हे भगाए हैं। मेरे सौतेली माँ दुल्हे ही ऐसे लाते थे, तो मैं और क्या करती। अगर मैं तुम्हें देखने आता तब भी तुम ऐसे ही करती? तुम इतने बुद्धू थोड़ी हो। ये तुम्हें कब पता चला, तब या अब? वंदे शंभुमुमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे वंदे सर्वलोकैकनाथम्। माजी प्रसाद लीजिए, इसे मैं संभालती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। जाइए ना। देखो बहू, इसमें चाय की पत्ती है, शक्कर है। हाँ, ये सब मैं देख लूंगी, आप जाइए। कल से हिंदी अखबार मंगवाइए। ये क्या हो रहा है तुम्हें, चाय वाय मिलेगी या नहीं? कौन जाने, मिल जाएगी। अरे बहू अभी नई नई आई है, यही एक आध महीने में आदि हो जाएगी, जाकर उसकी मदद। दीदी दीदी, अब तक उठी नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? सूरज सर पे चढ़ता है तब इनकी सुबह होती है। उठो ना दीदी, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, कुल्ला वुल्ला कर लो। ये जरा फैशन वाली हैं, कुल्ला किए बिना ही चाय पीती हैं। दीदी राजू को कौन सा दूध देती हो, गाय का या डिब्बे का? इस बेचारी को ये सब क्या पता,
ललिता ने ना तो दूध पिलाया है ना ही लोरी सुनाई है। तुम जाके मां से पूछो, वही राजू को देखती है। ढिंढोरा पिटने की क्या जरूरत थी? चुप। राजू को खिलाने के बहाने घर पर ही रहना है, ऑफिस नहीं जाना। अरे बादशाह को हुक्म है तो रुकना ही पड़ेगा। रुकना क्या, हम सबको वही करना पड़ेगा जो ये कहेगा। क्यों? क्योंकि इसके जन्म के वक्त भाभी ने बहुत तकलीफ उठाई, उन्हें दूसरा बच्चा नहीं हो सकता ना, इसलिए राजू सारे घर का बादशाह है। समझ गया ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारी साली साहिबा सपरिवार पधार रही है। यशोधरा? रसोई घर के साथ। आइए आइए आइए। चाचा को नमस्ते करो। चंदा भैया, ये प्रगति कौन है? ये नरेन की सेक्रेटरी है। मतलब? मतलब नरेन का सारा काम करती है। सारा काम? सारा मतलब यूसी में लेटा, ये सब क्या है? क्या है ये? ऑफिस है ये? तुम्हारे गांव की सब्जी मंडी की लटकाई बाहर में टोकरी, बगल में बच्चा और चली आई? ये सब मैं बाद में बताती हूँ, पहले उस परकटी को ज्यादा तनख्वाह दिया करो ताकि वो पूरी साड़ी खरीद सके। छी 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 छी, कैसे लड़की है, टुकड़े पहनकर ऑफिस चली आती है, न तुम्हें शर्माती है न उसे। ये सब बकबक घर में, पहले ये बताओ यहाँ किस लिए आई हो? तेल लेने आई थी। हाँ चिंदू भैया, रिक्शे में तेल का डिब्बा रखा है, जाके देखो ना। अच्छा, 18 रुपए का है। 18 रुपए? हाँ। मैं राजू को ले जाऊं? ले 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 ले। चिंदू भैया इसे धूप में मत ले जाना। नहीं नहीं, मैं गोद में रख के रिक्शा में बिठा के खिलाऊंगा। आजा राजा मेरा बच्चा, आजा मेरा राजा, राजू मेरा बाबा। मेरे पास काम बहुत है, जल्दी बताओ ऑफिस किस लिए आई हो? वही तो बोल रही हूँ ना, पता है घर में दूध का डिब्बा खत्म हुई कितने दिन हुई, दीदी को कुछ पड़ी नहीं, जर्जी तो ख्याल नहीं करते, और आपके पास बहुत काम है तो मेरे अलावा कौन बचा है देखने वाला, इसलिए घर से निकलना पड़ा। दुकानदार ने डिब्बे का भाव क्या बताया मालूम? 25 रुपए। मैंने कहा ये लूट है। हेलो, यस, फोन में आफ्टरवर्ड्स, आई एम वेरी बिजी। ओके, बाल बच्चे घर कहाँ जाएंगे, परिवार कैसे चलेंगे? हा? ये सब मैं रात को समझाऊंगा, अब तुम घर जाओ। आज 25 बोलेंगे, कल 30 बोलेंगे, परसों 40 बोलेंगे। यही बाजार का भाव है। ये लो 50 रुपए, 2 डिब्बे खरीदो और घर जाओ। देखो अब क्या है, उससे कहना कि पूरे कपड़े पहन के आए करें। हुँ। हुँ। सुनो, उससे दूर खड़े होकर बातें किया करो। यशु, पूरे घर को जगाओगी क्या? मैं हूँ, मैं। हाँ। इतने देर कैसे? अरे देर का हुई है। यशु, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये देखो। राजू ने बहुत तंग किया, शाम तक रोता रहा, इसलिए मैंने सिर्फ सब्जी और रोटी बनाई। रोटी को मारो गोली। सुनो यशु, सुनो 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 सुनो, क्या? चलाओ ना, इधर आओ ना, आओ तो सही। अच्छा अच्छा अच्छा, आह।
ये सब क्या है? दिल क्या चाहे मैं क्या चाहूं, सब जान के भी अनजान हो क्यों। दिल क्या चाहे मैं क्या चाहूं, सब जान के भी अनजान हो क्यों। छोड़ो भी जाने दो, जाने दो मुझे, नींद आती है मेरी जान जाती है। ये सब है क्या, ये सब है क्यों, सब जान के भी अनजान हो क्यों। ये सब है क्या, ये सब है क्यों, सब जान के भी अनजान हो क्यों। पास आओ आओ न जाओ न यूं मेरी जान जाती है, मुझे नींद आती है। दिल क्या चाहे मैं क्या चाहूं, सब जान के भी अनजान हो क्यों। नींद आती नहीं, चैन आता नहीं, जाओ दर्द ऐसा उठा सहा जाता नहीं। गोरे गुलाबी बदन से तेरे कोई आँच आती है, मुझे नींद आती है। दिल क्या चाहे मैं क्या चाहूं, सब जान के भी अनजान हो क्यों। क्या चाहे मैं क्या चाहूं, सब जान के भी अनजान हो क्यों। छोड़ो भी जाने दो ना मुझे, नींद आती है मेरी जान जाती है, मुझे नींद आती है। कौन है? कौन है? बाबू जी। ये कम्बक चूहे? अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। बाबू जी यहाँ चूहे वूहे कुछ नहीं है, आप आराम से सो जाइए। अरे आराम तो हराम कर दिया इन चूहों ने आधी रात को। रसोई घर में, अभी अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। पिशाच नहीं आ रहे। अरे तुम यहाँ? पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सोचा चलकर पानी पी लूं। पिया क्या? कहाँ पिया? और ये तकिया, ये चटाई, ये सब क्या मामला है? अच्छा तुम्हारे बिस्तर में भी खटमल है क्या? मेरा भी यही हाल है, एक तकिया दे देना। क्या आप भी यही सोएंगे? हाँ, नहीं तो रात भर जगा रहना पड़ेगा। और सुनो जी, कल सारे बिस्तर और पलंग धूप में डाल देना,
एक हफ्ते के लिए जी। जय हनुमान गुण ज्ञान सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरै हनुमत बलवीरा। जय हनुमान ज्ञान क्या है? मच्छर, बहुत मच्छर है। हाँ हाँ, बत्ती बुझा दूं? हाँ, बत्ती बत्ती बत्ती, रसोई घर की बत्ती नहीं, रहने दो। रात को चूहे आते हैं ना, और तुम भी सो जाओ। हाँ, सो जा सो जा, शाबाश, सो जा सो जा। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। तेरी हालत देखकर मुझे रोना आ रहा है। तो रो, हंस मत, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। तो पहले दिमाग ठीक करो, शांत, और एक काम करो, साली साहिबा को लेकर मंदिर चले जाओ। मंदिर? इस काम के लिए? छी 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 छी, ठहर ठहर ठहर, मंदिर मतलब मंदिर नहीं यार, ये तो एक बहाना है। देख, अभी तू साली साहिबा को बोलेगा कि होटल जाना है, तो क्या वो मान जाएंगी? नहीं ना? हाँ, इसलिए बोलो मंदिर जाना है। रात को 9 बजे कीर्तन होता है मंदिर में, सुबह 4 बजे प्रसाद मिलता है मंदिर में, इसलिए एक रात वहां रुकना जरूरी है मंदिर में। क्या मतलब, समझ में आ गई ना? अरे भाई, हमको तो यहीं रहने दो, शाम को वकील साहब से मिलना है, बाजार जाना है। चलिए ना बाबूजी, पहली बात तो आए हैं यहाँ, वो कह रहे थे कमाल का मंदिर है, बड़ी लागत से बना है। बस 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 बेटी, अगर ऐसी बात है गोस्वामी जी, तो चलिए ना, दर्शन के बाद काम भी सफल होंगे। हाँ, अकेले बीवी के साथ मंदिर में जा रहे हो, क्या चेहरा चमक रहा है। आइए आइए, आदमी का कर्म अच्छा होता ऐसा ही होता है। देखिए ना बाबूजी, दादाजी कैसे इन वक्त पर आ गए हैं, ये लोग भी मंदिर चल रहे हैं। कैसे हो बेटा? अच्छा, पहले बाबूजी ने मंदिर चलने को मना किया, मैंने ही जोर दिया। चंदू भैया, सुने ना क्यों नहीं आई? 8 महीने का पेट लेकर इतनी सीढ़ियां कैसे चलेगी, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? कुछ नहीं होता है भैया, धीरे धीरे संभाल कर चलेंगे। वो उसकी बीवी है, वो उसे तुमसे अच्छी तरह जानता है। नहीं मैं, ऐसे में भगवान के दर्शन चुप होते हैं। सुनैना अपने पति को भगवान मानती है, और तुम? अरे दीदी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे साथ में दादी। अरे दीदी, बगल वाली जानकी को याद दिला देना कि हम मंदिर जा रहे हैं। और कोई बच्चा है तो उससे भी बुला लो, सामने वाली पार्वती बहन, बगल वाले देवू भैया। अरे हाँ, बड़े भैया अब तक आए नहीं। अरे नहीं नहीं, उसे इन सब बातों में कोई रुचि नहीं, हम ही चलते हैं। चलो सावित्री, तुम्हारा बेटा आ गया, अब निकलो। बेटा जरा कोट देना। हम लोग पूरी पलटन के साथ जा रहे हैं मंदिर में। हाँ हाँ, मंदिर में। साजी चलिए मंदिर चल रहे हैं। ससुर जी, ससुर जी, वो आपको कुछ सांस की तकलीफ थी ना? नहीं तो? अब हो जाएगी। वो कैसे? 750 सीढ़ियां हैं मंदिर में, एकदम खड़ी खड़ी चढ़ाई। पिछले दिनों एक बुजुर्ग, क्या उम्र आपकी? यही कोई 59। उनकी भी 59 थी। अच्छा, वो सीढ़ियां चढ़ तो गए, चले गए, फिर लौट कर नहीं आए, ऊपर चले गए। ऊपर चले गए? वो ऊपर चले गए? नहीं नहीं भाई, मुझे क्या बाबूजी, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि चलेंगे। यशोधरा, ये कानूनी मामले हैं, बाबूजी को रुकने दो। बाबूजी आप रुकिए। दादाजी आप तो चल रहे हैं ना? हाँ, नहीं मेरा मतलब है, कम से कम एक आदमी को 500 रुपए का प्रसाद तो चढ़ाना पड़ता है ना? ठीक है। नहीं, आप सबसे बड़े हैं और हम लोग हैं कुल मिलाकर 8-10, तो टोटल होता है कुछ 5,000 रुपए, वो तो है ना? गोस्वामी जी, मुझे अभी याद आया, मुझे भी तो आपके साथ वकील से मिलना है। वकील से मिलना तो बहुत जरूरी है। आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। चलिए 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 चलिए, आइए आइए आइए। देखो बेटी, इतने मेहमान घर में हैं, खाना भी तो बनाना है। ऐसा करो, तुम लोग हो आओ, मैं घर में ही रहूंगी। सुनिए, अकेली भी मांझू को छोड़कर कैसे हो? आप लोग हो आइए। नहीं बेटी, मंदिर जाने का नाम लिया है तो जाना ही चाहिए।
नरेन। ठीक है पिताजी, चलो। सावित्री, मेरा छाता तो लाओ। ठहरी ना, बाबूजी आ रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी। हाँ। आप भी जा रहे हैं क्या? हाँ, क्यों? अच्छा अच्छा, मैं तो जा रहा था एक अंग्रेजी फिल्म देखने के लिए। अरे, इतने इतने कपड़े पहन के लड़कियां नाचती हैं। क्या क्या? आखिरी शो है आज। हाँ? हाँ? अरे नरेन भाई, तुम जाओ, मैं इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। ठहरी ठहरी, अब क्या हुआ? माजी, इसे वहाँ कहाँ ले जा रही हो? सर्दी लग जाएगी, इसे यहीं रहने दो। नहीं माजी, मैंने शाल रख लिया है, टोपी, स्वेटर। नहीं नहीं, बाहर मौसम ठीक नहीं है, तुम लोग हो आओ। जाओ। राजू, टाटा, टाटा राजू। कितने पैसे हुए? 22 रुपए साहब। ए है मंदिर? हाँ। मंदिर में परकिया क्या कर रही हैं? नहाने जा रही हैं। ऐसे? ची, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। शर्म वाले क्या, बुरखा पहन कर नहाते हैं। मंदिर में जाने के लिए शुद्ध होना पड़ता है कि नहीं? लेकिन हमें भी ऐसे नहाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, तुम तो घर से नहा कर रेडी होकर आई हो। सॉरी। अगर तुम चाहती हो कि मैं फिर से नहा कर आऊं, तो मैं फिर से नहा कर आता हूं। ऐसे जाओगे? हाँ। चुची, हम हाथ पांव धोकर दर्शन करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं दर्शन के लिए परमिशन लेकर आता हूँ। जल्दी आना। हाँ। सुनिए। ये पूजा के लिए थाली। What? थाली चाहिए, कहाँ मिलेगी? ओह वेट अ मिनट। एक्सक्यूज मी मिस, इट्स ओनली टाइम फॉर टू आवर्स। ये नहीं, ठीक है, ये नहीं है। व्हाट हैपेंड? ये नहीं, व्हाट्स द मैटर? नहीं, ये नहीं, ओ नहीं, टेक इट, नहीं। अरे क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? शी वांटेड दिस। क्या नाना चाहते हो तुम? ये कैसे जगह है? ऐसे लगता है जल्दी जल्दी दर्शन करें, वापस चले जाए। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करेंगे। आओ, आओ। सीटी भी बजा रहे हो? अरे ऐसे माहौल में सीटी तो क्या, तराने भी फूटने लगते हैं, अंग अंग मचलने लगता है। मंदिर का नाम लेकर मुझे इसलिए हलाए हो? अरे जब सब शुभ काम भगवान का नाम लेकर किए जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? यीशु, देर मत करो, मौके को फायदा उठाओ। हुआ क्या है आपको? भगवान का नाम लेकर ऐसे फोर्स करने में शर्म नहीं आती? कमाल है, इसमें शर्म की बात क्या है? मैं कोई बस स्टॉप से लड़की पटा कर लाया हूँ क्या? अरे मैं तुम्हारा धर्म पति हूँ, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, हमारा मिलन पवित्र है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम जल्दी से माफी मांगो, मैं माफ कर दूंगा। तुम हंसो, मैं हंसूंगा। तुम प्यारे बोलो, मैं प्यारी बोलूंगा। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ लेट जाऊंगा। उसके बाद भगवान ही जाने क्या होगा। अरे अरे कहाँ जा रही हो? बाथरूम तो इधर है। मैं घर वापस जा रही हूँ। अरे वाह, घर वापस जाने के लिए 250 रुपए खर्च किए थे? तुमने सचमुच 250 रुपए खर्च किए हैं? अरे तुम्हारे लिए 250 तो क्या, मैं 2500 फेंक सकता हूँ। सचमुच 250? ओफो, ये 250 क्या जब लगा रखी है? ये देखो, ये गलीचा देखा? हाँ देखा, असली पर्चियन है, 100 रुपए इसके दे सकते हैं। ये देखो, ओहो, ओहो, अरे हिल के देखो ना,
ना देखो डनलप का है, 100 रुपए इसके दे सकते हैं। यहाँ यो अरे इन सब के लिए आंखें बंद करके 250 रुपए दे सकते हैं। और बाथरूम देखा तुमने? नहीं। बाथरूम नहीं देखा? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे संगे मरमर का बना हुआ है, इटालियन टाइल्स है, इटालियन मार्बल है। एक्सक्यूज मी, यू आर द मैनेजर? यस। पता चला है कि सत्तूलाला स्मगलर आपके होटल में छुपा हुआ है, हमें तलाशी लेनी है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आप लोग कौन है? जी मैं नरेन हूँ। और ये? ये मेरी धर्मपत्नी है। आप लोग सत्तूलाला को जानते हैं? जी नहीं। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे? जी बात दरअसल ये है कि प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं मिस्टर नरेन को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही शरीफ आदमी है, सत्तूलाला से मिलना तो इत्तेफाक था। ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। कितना अच्छा गालीचा है, असली परेशान है ना? हाँ, इसको 100 रुपए दे सकते हैं। गद्दा डल्लक। बंद करो ये सब। जी जी, जो कुछ करता हूँ उल्टा ही हो जाता है। भगवान के नाम लेकर करेंगे लोग। चलो वापस चलते हैं। वापस जाने के लिए 250 रुपए कट गए हैं क्या? अरे कमला, ओ कमला, देख बारिश आने वाली, बच्चों को अंदर ले आ जा जल्दी। अरे भाग। बस चलो बैठो वहाँ पे, चलो चुपचाप बैठो, बैठो। 3, 4, 5, 6, 7वां बद्रीनाथ खाना खा रहा है, चलो इनको भी खाना खिलाओ, जाओ। लेकिन 8वां, अरे कहाँ गया? कितना अच्छा सलाम रखा था। पीताम्बरनाथ, अरे ओ कमला, मेरा पीताम्बरनाथ कहाँ है? वो तो आपकी गोद में है। पीताम्बरनाथ, अरे मेरा बेटा है ना। नमस्ते। नमस्ते, अब तुम्हारा क्या है? मुझे चंद्रमोहन साहब ने भेजा है। किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो तुम ही नहीं टीचर हो? ये देखिए, ये है गोरखनाथ। हाँ गोरखनाथ। भोलानाथ। हाँ भोलानाथ। जल्दी और जल्दी। नमस्ते टीचर। जाओ बेटे टीचर के साथ पढ़ो, जाओ जाओ जाओ। मेरा पिता बरनाथ। बेटे तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? फातिमा हाई स्कूल। तुम भी? हाँ। कौन सी क्लास में? 3rd। और तुम? 4th। नमस्ते टीचर। नमस्ते। ट्यूशन कैसी चल रही है? जी माफ कीजिए, मैं आपके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। क्यों? फीस कम है? फीस की कोई बात नहीं। तो बच्चों ने तंग किया होगा? जी नहीं। ठीक से नहीं पढ़ते? वैसी कोई बात नहीं। तो फिर बात क्या है? वो आपके बेटे। मेरे बेटे? क्या किया मेरे बेटों ने? आंख मारते हैं। आंख? किसने? रामनाथ ने? जी नहीं। लक्ष्मण नाथ? जी नहीं। भरतनाथ? जी नहीं। गोरखनाथ भोलानाथ। ओह माफ कीजिएगा, वो अपनी माँ पर गए। अरे गोरू भोलू। क्या पापा? हाँ पापा। हाँ मारो, तुम 10 बार आंख मुझको मारो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मगर टीचर को नहीं। टीचर तुमको पढ़ाती है, लिखाती है, है? है कि नहीं? आप एक काम कीजिए, आप पढ़ाते वक्त इनकी आंखों में मत देखिए, आप किताब में देखेंगी तो बच्चे भी अपने आप किताब में ही देखेंगे। अब की बार जरा ऐसे कीजिए। माफी मांगो, माफी मांगो। माफ कर दो टीचर। अरे प्लीज प्लीज, ले जाइए, थोड़ा पढ़ा दीजिए इनको। थैंक यू थैंक यू। अरे टीचर की इज्जत करना सीखो, तुम्हारी माँ जैसी। लगता है इस घर में बच्चों की ही नहीं, बच्चों के बाप की भी यही आदत है। थैंक यू। बाबा बाबा, आ गया? मैं तो आ गया, वो भाग गई। कौन? वो नई टीचर। क्यों? इसी वजह से ये टक 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 7 पुश्तों तक यूं ही हमारे खानदान में चलता रहेगा। 7 पुश्तों से मैं भी तुम्हारी ये शिकायत सुनती आ रही हूँ। अच्छा सुनो, अब नहा के जल्दी से तैयार हो जा, हमें मंदिर जाना है। मंदिर? हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, इसीलिए मंदिर जाकर पाठ कराना है। खबरदार, जो मंदिर जाने का नाम लिया, हर सालगिरह पे मंदिर जाती हो, और भगवान जाने भगवान से क्या मांगती हो कि अगली सालगिरह आने से पहले काव 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 काव, और वो भी दो दो जुड़वा जुड़वा।
इसमें मेरा कसूर है क्या? नहीं बेटा, मेरा कसूर है। लो, बच्चे क्या मैं अकेले पैदा करती हूँ? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो और क्या? अरे बच्चे तो भगवान की देन होती है और तुम होके मेरे बच्चे गिनते ही रहते हो। दो, चार, छः, आठ। भगवान जाने इस बार क्या होगा। फिर अरे भगवान, तू क्यों मेरी लुकिया डुबोने पर तुला हुआ है? अरे मेरे मार देते क्या हो? कितना भाग्यशाली है वो नरेन। आ, कोई फिकर नहीं, कोई काम काम नहीं, मियाँ बीबी मस्त रहते हैं। ये जाकर अपने दोस्त से पूछे, उस बेचारी को क्या बच्चे नहीं चाहिए? गरीब का अपना नहीं है ना, इसीलिए जेठानी के बेटे पर जान छिड़कती रहती है। क्या कर रहे हो? माँ, माँ, ये सारा दिन सोती ही क्यों रहती है? कुछ काम क्यों नहीं करती? कौन? ये ललिता। चुप, कितने बार कहा, माँ का नाम नहीं लिया करती। चलो कान पकड़ो। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। माँ, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, मम्मी। पहले कान को हाथ लगाओ। अच्छा लो, अब तो ठीक है ना। अब चलो जल्दी से स्कूल जाओ, देर हो रही है। पहले तुम आंखें बंद करो। ए भगवान, मेरी माँ को मुझसे कभी कट्टी मत करवाना। अब तुम आंखें खोलो। माँ, तुम्ही ने तो कहा था ना कि माता पिता बच्चों के लिए भगवान होते। बस खांसी हो जाएगी। अरे ये तो और डालो, हजम नहीं होता, खाते ही जा रहे हो। कैसे चिड़िया के बच्चे जैसे खिला रहे हो मुझे तुम। मुझे मालूम है किसे कितना खाना चाहिए। क्या कितना कर रहे हो दादाजी? आधा पेट खाना खा रहा हूँ बेटे। आप क्या बड़ा खा रहे? उधर भगवान रहा। हाँ? नाखून खा रहे। क्या नाखून? हाँ नाखून, नाखून दिखाता हूँ। हाँ चलो दादाजी, आओ तमाशा देखो। तमाशा? हाँ देखो, रामायण पे नाखून काटे जा रहे। बित्ते भर का छोकरा और गजभर की जबान। दादी दादी दी, बच्चा है ना समझे, मगर तुम तो समझदार हो, फिर क्यों बच्चे को उल्टी सीधी बातें सिखाते रहती हो? दीदी बात का बतंगड़ मत बनाओ बहू। पर रामायण पे नाखून काटना क्या अच्छा है? जी नहीं, आपकी लाडली बहू जो कुछ भी करे वो सब अच्छा होता है, बस शुरू से मैं ही बुरी हूँ। अरे नहीं बहू, इसका मतलब ये नहीं था। देखो ये अपशकुन कहलाता है, अभी अभी लक्ष्मी घर में आ रही है, वो रूठ जाएगी। क्या बात है बाबूजी? बात कुछ नहीं बेटे, इस बेचारे का काम छुड़वा दिया ना, बैठे बैठे नाखून बढ़ गए, वही काट रही थी, बस औरतों में कहां सुनी हो गई। चलो ये ठीक है क्या? साक्षात लक्ष्मी है ना वो देवी जिसे सर पे चढ़ा रखा है तुम लोगों ने। पता है मेरे खिलाफ भड़का रही थी मेरे बेटे को। कौन सा बेटा? कभी पास तो फटकने नहीं दिया तुमने उसे के कपड़े मैले हो जाएंगे, डिब्बे का दूध पीकर तो इतना बड़ा हुआ है। अरे यशोदा ने पाल दिया तो पल भी गया। मेरे बेटे को किसी के पालने या पिलाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे बेटे की उम्र 100 साल की होगी, वो बांझ औरत अपना काला साया भी न डाले मेरे बेटे पे। ललिता ये डायन दांत गड़ा रही है मेरे बच्चे पे। चुप रहो नहीं तो जबान खींच लूंगा। Thank you.
माँ 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 कहाँ हो तुम माँ? अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो माँ, आज स्कूल में टीचर है इसलिए चलना देगा। जाओ जाकर अपनी माँ से मांगो। कौन ललिता? वो नहीं रही। तो मैं क्या करूँ माँ? तुम जाओ यहाँ से। क्या बात है मम्मी? कुछ नहीं, मेरे सर दुख रहे। मैं सर दबा दूँ? नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। तुम रो रही हो तो मुझे भी रोना आ रहा। तो रो मगर बाहर जाकर, जाओ यहाँ से। यशोधरा, ए ये देखो क्या है, एक हसीन गाड़ी की चाबी, सपनों का उड़न खटोला, हमारे साडू भाई की तरफ से हमारे लिए तोहफा। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम आपको जीप भर के घुमाएंगे। अरे बात क्या है यशोधरा, क्या बात है? हाँ कुछ बोलो भी। क्या मैं बांझ हूं? बस इतनी सी बात, पहले क्यों नहीं कहा? बोलो कितने बच्चे चाहिए, दो चार? अरे जाने मन, अगर आप कहें तो साल भर के अंदर क्रिकेट की पूरी टीम बनाकर आपको अंपायर बना दें। अब तो खुश हो? ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? हाँ अगर मुझे मेरी अपनी औलाद ना हो तो क्या मैं किसी बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती? किसे कहा तुमसे? दीदी ने। ओफो यशोधरा, वो लोग पुराने ख्यालत के हैं, इतने सालों से बच्चा नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसी बात की होगी। छोटी छोटी बातों पर मत ध्यान दिया करो। एक बांझ औरत की ममता क्या बच्चे की मौत बन सकती है? कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो? अरे तुम तो वो हो जो अपने हाथ से सूखे पेड़ को पानी दोगी ना तो वो भी खेल उठेगा, और फिर ये तो जीता जागता बच्चा है, तुम्हारा प्यार पाकर 100 साल तक मुस्कुराता रहेगा। चलो तुम भी मुस्कुरा दो, इन बातों को भुला दो, आज शुभ दिन है, इस मौके पर हम तुम्हें एक खूबसूरत तोहफा देना चाहते हैं। कितना अच्छा होता, न दिन होते न रात होती, न कामकाज की फिक्र, बस सारा वक्त यूं ही साथ साथ गुजारते। लालची हो तुम, लालची। वो तो सचमुच हूं, कहते हैं ना तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। कल फिर दौरे पर जाना है। कितने दिनों के लिए? यही कोई 7-8 दिनों के लिए। पैसे कमाने में अपनी बीवी को भुला दिया? भगवान ना करे, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो ऐसा लगा था कि जन्म जन्म का साथ है। अब तुमसे अलग एक दिन एक पल भी बरसों जैसा लगता है। चल अंदर, अब से चुपचाप यहां बैठो और पढ़ो, समझे? आज से तुम्हारे खाने पीने सोने पढ़ने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, बड़ी यही मां बनने वाली।
बच्चे को मार से छीनेगी? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, गिर गया। मैं नीचे जाके सो जाऊं? सोना है, यहाँ से हिला तो टांगे तोड़ दूंगी। चल बैठो पर। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में कुछ अटका है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। मध्य दिवस अति शीतन घामा। क्या आप मंदिर नहीं जाएंगे? आज मेरा उपवास है ना बहू, वह इतनी भीड़ भाड़ में थक जाऊंगी। तुम हो आओ। जी। मंदिर नहीं जाओगी? नहीं। क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं। A for apple, B for baby, C for cat, D for dog, D for dog, D for dog, D for dog. ठीक है ठीक है, आगे पढ़ो। अरे क्यों? अच्छा जाओ, सीधे यही वापस आ जाना। दादी माँ, दादी। रुको बेटा, पहले कृष्ण भगवान को खिला दूँ। तुम्हारे दादा? नहीं नहीं, मुझे दूल्हे चाहिए। फिर? आज मंदिर में कितना पुण्य मिलेगा? कितना? अच्छा? माँ गई है? हाँ बेटे। मैं भी आऊँ? दादी वो, दादी वो। हाँ हाँ, जाओ जाओ। लेकिन ललिता क्या कहेगी? बहू को मैं समझा दूंगी, तुम जाओ। थैंक यू दादी माँ। अरे तुम जाओगे कैसे? रात में नाना मिल जाएगी। रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहई जनि कोई। राजा दशरथ राम राम रट्टे हुए ऐसे व्याकुल हुए मानो बिना पंख के कोई पक्षी बेहाल हो। वे मनाते थे कि सवेरा न हो और ये समाचार कोई जाकर रामचंद्र से ना कहे। उदउ करहु जनि रवि रघुकुल। बहू क्या हुआ बहू? अरे ऐसे कैसे जा रही? पता नहीं, राजू भी तो साथ गया था। राजू? हाँ। फिर कहाँ है वो? देख के आती हूँ। बहू क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी हो? राजू तुमसे मिलने मंदिर गया था, मिला नहीं। बहू बहू मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। बहू बहू क्या हो गया? बहू सुमीन, राजू बेटा, राजू सुमीन, राजू सोमू, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ सोमू? क्या हुआ राजू? क्या हुआ राजू? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? राजू, रात के नीचे। राजू, हे भगवान, ये तूने क्या किया? राजू, राजू, राजू,
ये सब मेरी वजह से हुआ। इसकी माँ ने इसे बड़ा किया था। मैंने इसे मन में भिजवाया। राजू मैं कितनी अभागन हूँ बाजी, कितनी अभागन। मैंने तुझे जन्म दिया मगर क्या न दे सकी, ममता न दे सकी। मेरी आंखें खुलते ही इसने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली माँ जी। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। बस करो भाई, बस करो। आंसू से पढ़ने वाले ज्यादा नहीं करते। तुमने मार डाला मेरे बच्चे को। मैंने तुम्हें हजार बार कहा था उस बहन औरत का साया भी मेरे बच्चे की मौत बन जाएगा। नहीं सुना ना तुमने, आखिर उस डायन ने जान ले ली मेरे बच्चे की। राजू ललिता की बात का पूरा मत मानना। जन्म दिया है ना, दर्द तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, ना मैं ना वो। राजू के लिए तभी तो सब कुछ थी, मां बाप गुरु भगवान, जो होना था हो गया। इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, कोई जिम्मेदार नहीं।
ये खबर तुम्हें सुनाने के लिए इतने साल जिंदा रहा मैं। राजू को अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार किया उसने, मगर वो भी तो मां मां करते नहीं थकता था। कहीं यशोधरा को तो अपने ही साथ नहीं ले गया। ऐसी बातें मुंह से मत निकालो मां। नरेन, जहां जहां ढूंढ सकते थे ढूंढ लिया, अब पुलिस स्टेशन में खबर कर देनी चाहिए। हिम्मत रखो नरेन, चलो कोई तस्वीर ले लो यशोधरा की। चलो 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 उठो। हाँ नरेन। बेचारी बेचारी, ये बच्चा उठाकर भाग रही थी। शुक्र मनाओ टीचर ने पुलिस में नहीं दिया। ऐसा क्या ए छोकरी, बच्चा किसी पैसे वाले का ही था ना, कहीं किसी गरीब का हो तो 100 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये काम जरा होशियारी से करना पड़ेगा क्या। अपन सिखा देंगे तुमको सही तरीका। गंगू उस्ताद बोलते हैं अपन को। क्या ऊंचा सुनती है क्या, किधर की रहने वाली हो तुम? लगता है कोई ठिकाना नहीं तेरा रहने को। मेरा घर है ना, चलो चल चल चलो चलो आओ आओ। अरे गंगू उस्ताद का घर है ये। आ बैठ 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 जा, बैठो बैठो बैठो। मैं खाने के लिए कुछ लाता हूं, तब तक तुम आराम करो।
कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? चल जाएगा मिस्टर नरेन, हर पुलिस चौकी पे खबर की जा चुकी है। चल तो रहा भाई। सलाम साहब, तुम फिर आ गए। क्या करूं साहब, इन लोग की मेहरबानी है। दारू पीकर रोड पे दंगा कर रहा था। नहीं तो क्या, दूध पीकर दंगा करूंगा। अरे ये भाई का फोटो यहाँ तुमने इन्हें देखा है? हाँ, ये तो मेरे झोपड़े में है। चलकर देखिए इंस्पेक्टर साहब। चलिए चलिए साहब। ठहरो, इनको मिला क्या था साहब? इसकी बात मत मानिए, ये तो छठा बदमाश है। नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। अब चालाकी से यहाँ से भागना चाहते हो? 310 बंद करो इसे अंदर। आप भाई मेरे झोपड़े में। जैसे कुछ पता चलता है मिस्टर नरेन, मैं आपको इतला कर दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। साहब पूरी दारू उतर गई अपन की, जो अपन बोल रहे ना सब सच है साहब। हाँ है। आई थिंक शी हैज सफर्ड अ मेंटल शॉक। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या वो कभी ठीक नहीं होगी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आई विल कंसल्ट डॉक्टर शाह। एंड वन मोर थिंग, वो प्रेग्नेंट हैं। आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। यस डॉक्टर। लड़की हुई है। बहू कैसी है? वो कैसी है, उसे पता है कि वो माँ बन गई है? नहीं, वो होश में नहीं है। जब तक उनके दिमाग से सदमे का असर हट नहीं जाता, तब तक तो बच्चे की देखभाल किसी और को करनी पड़ेगी। आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लड़की हुई है। आप दोनों का नुकसान तो नहीं भर सकता। हाँ, मां के होते हुए बिन मां की बच्ची से अगर कुछ कर्जा उतर सके। ऐसी बातें करते हो नरेन, ये अकेली तुम्हारी नहीं, हम सबकी बेटी है। आग की पुतली की तरह संभालेंगे इसे। नरेन भैया, मैं भी तो तुम लोगों की अपनी हूं।
मुझसे ऐसे परायों जैसा व्यवहार मत कीजिए। भाभी, अनजाने में किए पाप की सजा भोग कर चुकी हूं मैं, अब और सजा मत दीजिए। अपने बेटे के मुंह से तो कभी मां नहीं सुन सकी, अब इस बच्ची के मुंह से तो मां सुनने दीजिए। उस दिन से तुम्हारे चाचा और चाची ने तुम्हें पाला और मैं यहीं रह गया इसी उम्मीद पे कि शायद किसी दिन तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। आशा, नहीं बेटी, तुम्हारे डैडी यूं ही बहुत दुखी हैं। रोकर उनका दुख और मत बढ़ाओ। चल चल, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, मैं अपनी मां से मिलने जाऊं। पागल हो गई हो क्या? किस मुश्किल से हम बीती बातों को भुलाना चाहते हैं और तुम? नहीं डैडी। नहीं आशा, नहीं, हम सबकी जिंदगी फिर आंसुओं में डूब जाएगी। आओ बेटी, कल सुबह हमें अपने घर जाना। नहीं दीदी, नहीं, मैं अपनी माँ से मिले बिना नहीं जाऊंगी, मैं उसे जरूर देखूंगी। नहीं बेटी, तुम दीदी, भले ही वो मुझे ना पहचाने, मगर एक बार दूर से मैं उसे प्रणाम तो कर लूं, जिसने मुझे जन्म दिया है। प्लीज दीदी, दीदी प्लीज। नहीं आशा, तुम अपने पति के पास जा रही हो, खुशी खुशी जाओ, टूटा हुआ दिल लेकर नहीं। कोई भी बेटा ये सह नहीं सकता। बेटी मेरी बात सुनो आशा, अगर हमें कोई सुख है, कोई सुकून है, तो बस यही कि कम से कम तुम हमारी तरह दुखी नहीं हो। जाओ बेटी, जाकर आराम करो। भैया, जू 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 जू
यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलके चुम के जगाए। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। Zoo.
सबको नहीं दिखती बेटा, जैसे देवी देवता सबको नहीं दिखाई देते ना, उसी तरह से छोटी नानी जी भी सिर्फ छोटे नाना जी को ही दिखती हैं। मतलब? अरे बेटा लो, तुम जाकर खेलो। नाना जी आपको चाहिए? नहीं बेटे, आओ चंदू आओ, अकेले आए हो, हमारी सारी साहबों को साथ नहीं लाए? भाई उनको अपने बाल बच्चों से फुर्सत कहाँ, साथ में आने वाली थी तभी गोल्डी के पेट में दर्द उठने लगा। गोल्डी? हाँ, ट्विंकल की माँ। अरे संभाल के उतारना बच्चों को, ये देखो वो रॉयल प्रिंसेस, वो सीधी उतरी, वो ट्विंकल। अरे ट्विंकल आजा बेटे, अभी 6 महीने की हुई नहीं कि इसकी माँ के पेट में फिर दर्द उठने लगा। तो आजकल साली साहिबा की ममता इन पर बरस रही है। क्या करे भाई, अपने बच्चे तो सब बड़े हो गए, सब अपने अपने कामों पर लग गए, बेटियां ससुराल चली गई, तो खाली बैठने से क्या फायदा, कुछ तो काम करना चाहिए ना। अरे इनके चश्मे, हाँ सबको पहना दिया ना चश्मे, अच्छा किया। कुत्तों के चश्मे? अब तुमको क्या बताऊं, सुनैना ने पाला है ना, उसकी आदत सीख रखी है इन सबने, जहां कहीं दूसरे कुत्ते दिखे नहीं के चालू हो जाते, ये नई जगह है ना, कहीं फसाद नहीं खड़ा करते, इसलिए पहना दिए चश्मे। आज कितने वर्षों के बाद तुम्हें हंसता हुआ देख रहा हूं नरेन। चलो मां खिलाना। मासूम बेटे के मौत के गम में मेरी मां आज तक तड़प रही है, बिल्कुल वैसा ही बेटा तूने मेरी गोद में डाल दिया, ये राज क्या है? Thank you.
Thank you.
जी ऐसे। अच्छा ऐसे। आपको कुछ नहीं आता, जाइए जाइए आप यहाँ से। बाबूजी, मैं जरा मंदिर जाकर आती हूँ। इस वक्त? हाँ, हम लोग जा रहे हैं ना, न जाने फिर कब देवी के दर्शन होंगे। जल्दी आना बेटी, नहीं तो जाने में देर हो जाएगी। हाँ बाबूजी। मैं बाबूजी माजी। मेरा राजू पता नहीं कहां चला गया, कुछ पता नहीं। कौन है राजू, कैसा दिखता है? मेरा लाल है, कुंवर कन्हैया जैसा, सुंदर सुंदर आंखें, गुलाबी होंठ, ऐसे ही मुस्कुराता है। कौन ले गया है मेरे जिगर के टुकड़े को? ओह, तो वो है आपका बेटा? तुम जानती हो उसे कहीं देखा है? अच्छा, तो तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पति उसे लेके गए हैं? मेरे पति? वो कौन है? ये तो हद हो गई, तुम्हें बताया तक नहीं। अरे वो जो रोज तुमसे मिलने आते हैं, खाना लाते हैं, राजू के लिए खिलौने लाते हैं, वो और कौन है? अच्छा, तो वो है मेरे पति। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास, तुम्हारे राजू के पास ले चलती हूँ। मगर बदले में कुछ मांगू तो दोगे? कैसी बात करती हो, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, कुछ भी मांग सकती हो। मांगो। कैसी पागल लड़की हो तुम। अरे क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारी मां नहीं है? मेरे मन में है, मेरे तन में है, मेरे चारों तरफ है। मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है, उठो उठो बेटी, उठो, जीती रहो, अखंड सौभाग्यवती भाव, दूध नहाओ, पूतो पलो। अरे राजू के दूध का वक्त हो गया है, मेरा बच्चा भूखा होगा, मुझे ले चलो उसके पास। Thank you.
ये तुमने क्या किया बेटी? एक तड़प तो ही माँ को थोड़े से राहत देने की कोशिश कर रही हूँ बस। लेकिन इतना बड़ा बलिदान? ये बलिदान नहीं है माँ, ये मेरा कर्तव्य है। ए जी, अच्छा पागल बनाया मुझे, क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पति हैं? देखना हम दोनों मिलकर क्या करेंगे। चल चल मैं आ गई, चल चल। दादी, हमारे जाने का वक्त हो गया ना।